वेलकम टू aptutorials.com। मैं सेल्फ आकाश पड़िया। आज हम ये वीडियो में पीएचपी में एडमिन पैनल कैसे इंटीग्रेट करना है वो देखेंगे। तो एडमिन पैनल सबसे पहले क्या है और उसका यूज क्या होता है। तो नॉर्मली जब भी आप कोई वेबसाइट बनाते हो या फिर कोई मोबाइल एप्लीकेशन बनाते हो तो उसमें जो बैक एंड रहता है वो आपका एडमिन पैनल होता है, जिसके थ्रू आप अपना डेटाबेस है उसको मैनेज कर सकते हो। तो उसके लिए एक एडमिन पैनल टेम्पलेट जो है, नॉर्मली आप बूटस्ट्रैप में भी डिजाइन कर सकते हो खुद का टेम्पलेट, लेकिन एडमिन टेम्पलेट जो होते हैं वो पूरा रेडीमेड स्ट्रक्चर होता है जिसमें आप डेटा ऐड भी कर सकते हो, डिस्प्ले भी कर सकते हो और काफ़ी सारे ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो आपका काम ईजी कर सकते हैं। तो नॉर्मली अगर आप गूगल में लिखते हो एडमिन टेम्पलेट तो आपको बहुत सारे ऐसे टेम्पलेट की वेबसाइट मिल जाएगी, काफ़ी सारे टेम्पलेट ऐसे जो आपको फ्री में भी मिलते हैं और काफ़ी सारे टेम्पलेट जो पेड वर्जन भी है। तो यहाँ पे देखिए, हम वापस गूगल में जाते हैं, यहाँ पे सर्च करते हैं एडमिन पैनल टेम्पलेट। तो देखो वही वेबसाइट यहाँ पे वापस ओपन हो रही है। यहाँ पे देखो एक यहाँ पे फ्री बूटस्ट्रैप टेम्पलेट या फिर w3layouts.com, ये भी एक अच्छी वेबसाइट है। देखिए यहाँ पे आपको एक एडमिन पैनल का ऑप्शन दिखेगा, अपने को जो भी सिलेक्ट करना है, लेकिन मेक श्योर कि बूटस्ट्रैप टेम्पलेट होना चाहिए, एंगुलर, रिएक्ट ये सब नहीं होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे भी एक वेबसाइट है जिसका नाम है w3layouts.com। तो यहाँ पे भी आपको टेम्पलेट मिल जाएंगे, काफ़ी सारे टेम्पलेट हैं जो आप फ्री में यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हो। और भी अगर आप सर्च करना चाहते हो तो एडमिन LTE, ये एक फेमस टेम्पलेट है जो नॉर्मली सारी वेबसाइट में आपको दिखेगा, एडमिन LTE, जिसमें देखो बहुत सारे विजेट्स है, बहुत सारे ऐसे टूल्स है जो अपना काम ईजी कर देता है डिज़ाइनिंग पर्पज़ के लिए। तो यहाँ पर मुझे क्या करना है, एडमिन LTE जो है उसको डाउनलोड करना है। तो उसके लिए यहाँ पे उसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, दैट इज adminlte.io। इनिशियल लेवल पे अगर आप ये जो थीम है उसको इम्प्लीमेंट करने जाओगे तो बहुत टफ लगेगा आपको, लेकिन मैंने और भी वीडियो बनाई हुई है जिसमें सिंपल w3layouts टेम्पलेट को कैसे इंटीग्रेट करना है एडमिन का। तो ये एक एडवांस वीडियो है जहाँ पे एडमिन LTE को कैसे, मतलब नेसेसरी एलिमेंट्स को लेना है और बाकी एलिमेंट को डिलीट करना है वो देखेंगे। तो देखो एडमिन LTE के अलावा और भी टेम्पलेट्स है जो आप यहाँ पे देख सकते हो। तो हमको क्या करना है, इसको डाउनलोड करना है। तो डाउनलोड करने के लिए यहाँ पे आप देख सकते हो अभी जो करंट वर्जन है एडमिन LTE का, जिसका नंबर है 301, तो इसको हम डाउनलोड कर सकते हैं, जस्ट क्लिक ऑन दिस। जैसे मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ कुछ पॉपअप नहीं हो रहा है। ओके, यहाँ पे देखिए ये रहा सोर्स कोड, तो सोर्स कोड को मैंने क्लिक कर दिया, इसको मैं डाउनलोड के फोल्डर में डाल देता हूँ, सेव, और यहाँ पे इसको मुझे राइट क्लिक एंड एक्सट्रैक्ट टू एडमिन LTE टेम्पलेट। तो जैसे ही यहां पे एक्सट्रैक्ट हो गया, ये टेम्पलेट जो है, इनिशियली ये टेम्पलेट बहुत डिफिकल्ट है, मैं अभी आपको एक बार रिपीट कर रहा हूं ये वर्ड, लेकिन तो भी इसका हम इंप्लीमेंट करेंगे यहां पे। तो इसके लिए मैं नेटबीन्स एंड ज़ैम्प उसको स्टार्ट कर देता हूं। देखिए यहां पे उनका बिल्ड वर्जन है, डिस्ट्रीब्यूशन, डॉक्स, पेजेस, ये सब कुछ यहाँ पे दिया हुआ है। अभी यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होगा कि अगर आप ये फर्स्ट टाइम इंप्लीमेंट कर रहे हो तो यहाँ पे आपको नेविगेशन है वो सब प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे देखिए फॉर्म्स का पूरा एक फोल्डर बना के रखा हुआ है, यहाँ पे लेआउट्स और भी अलग अलग यहाँ पे एग्जाम्पल्स है। तो फॉर्म्स में जाएंगे तो देखो हमको क्या करना है, कभी भी आप वेबसाइट बनाते हो तो उसमें मेन तो अपने को फॉर्म की रिक्वायरमेंट रहती है जहाँ से हम डेटा ऐड कर सकें, दूसरा रिक्वायरमेंट रहता है वो है डिस्प्ले, मतलब टेबल का एक लेआउट होना चाहिए और बाकी जो है वो लॉगिन होना चाहिए। तो देखिए ये जो एक लेआउट जो है वो पूरा नया वर्जन है एडमिन LTE 3। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं, तो एक नया प्रोजेक्ट बनाएंगे नेटबीन्स में, न्यू PHP एप्लीकेशन एडमिन LTE, या फिर इसको स्मॉल केस में दे देते हैं एडमिन LTE थीम, नेक्स्ट 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 एंड फिनिश। तो यहां पे क्रोम ब्राउजर में सिलेक्ट कर रहा हूं और मुझे क्या करना है, तो देखिए यहां से मुझे चेक करना है कि ये थीम में क्या क्या आ रहा है, मतलब सारे एलिमेंट्स को मुझे फाइंड आउट करना है। तो यहां पे देखिए ये उनका CSS है, इमेजेस है, GS है, पेजेस में जाओगे तो आप इंडेक्स तो नहीं दिख रहा है यहां पे मुझे कहीं पे भी, लेकिन इंडेक्स बार है तो ये मेन इंडेक्स है। तो इंडेक्स को अगर हम कंट्रोल यू करके देखते हैं तो देखिए इनकी जो CSS आ रही है वो मतलब डिस्ट्रीब्यूशन जो फोल्डर होता है वहाँ से आ रहा है, प्लगइन का फोल्डर है, मतलब ये काम के फोल्डर है। तो ये फोल्डर को मुझे क्या करना पड़ेगा, मेरी जो वेबसाइट है
उसके अंदर भी इसका इस्तेमाल मुझे करना पड़ेगा। तो उसके लिए सबसे पहले ये डिस्ट फोल्डर को मुझे लेना पड़ेगा, कॉपी करके मैं नेटबीन्स में डाल रहा हूँ। ओके, देन प्लगइन्स, जिसमें बहुत सारे प्लगइन्स है थर्ड पार्टी, जिसको मुझे क्या करना है, कॉपी करके पेस्ट करना है। तो और भी पेजेस है जो मुझे यहां पे देखना पड़ेगा, जैसे कि मान लो index.html है, तो इसका जो कोड है पूरा वो मैं कॉपी कर लेता हूं। ये कोड अगर आप देखो तो बहुत लंबा कोड है, घबराइए नहीं, 1300 लाइन मतलब बहुत बड़ी बात नहीं है। नॉर्मली एडमिन पैनल में 4000-5000 भी लाइन्स होती है कोड की। तो इसको पूरा Ctrl+A Ctrl+C, यहां पे जाएंगे सोर्स फाइल में, राइट क्लिक, न्यू PHP फाइल, इंडेक्स या फिर होम नाम दे दीजिए। इंडेक्स तो बाय डिफॉल्ट नेटबीन्स में आता ही है तो वो कन्फ्लिक हो जाएगा। यहां पे क्या करना है, पेस्ट। इसको एक बार चेक करते हैं कि क्या ये होम पेज जो है वो प्रॉपर वर्क कर रहा है। यस, ये परफेक्ट यहां पे वर्क हो रहा है इसका काम, सो दैट्स गुड। सो नेक्स्ट इज मुझे क्या चाहिए मेरी वेबसाइट में, वो पेजेस यहां से आपको लेना है। तो मुझे और चाहिए लॉगिन, तो लॉगिन मुझे कहां से मिलेगा, आई डोंट नो, सो गो टू UI, इज देयर एनी लॉगिन, नो। टेबल्स में मुझे चाहिए, यस। मेल बॉक्स चाहिए, नो। लेआउट में और क्या है यहां पे, तो जाने दो। यहां पे एग्जांपल देखिए, यहां पे लॉगिन स्क्रीन मुझे मिल गया, तो ये अच्छा सा लॉगिन है। इसको मुझे क्या करना है, राइट क्लिक, एड विद नोटपैड, कॉपी करेंगे इसको, यहां पे राइट क्लिक, न्यू PHP फाइल, लॉगिन, Ctrl+A Ctrl+V। इसको मुझे वापस रन करना है, ये रन नहीं होगा, क्यों आप बोले रन नहीं होगा, रन तो हो गया लेकिन CSS नहीं दिख रही है। मुझे यहीं पे मालूम पड़ गया था कि जो CSS है ये एक्चुअली ऑलरेडी फोल्डर के अंदर फोल्डर में था, तो मतलब अगर आपको रूट डायरेक्टरी में लाते हो यहां पे तो वो पाथ यहां पे चेंज करना पड़ता है। फॉर एन एग्जांपल देखिए, अभी .. 2 टाइम आ रहा है और अब मेरी CSS कहां पड़ी हुई है, यहीं पे है, तो अब इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, तो इसको मैंने रिमूव कर दिया। यहां से भी मुझे इसको रिमूव करना पड़ेगा, और वैसे ही आप देख लीजिए हेडर में भी होगा ऐसा। इसको भी यहां से मैं रिमूव कर रहा हूं, यहां से भी रिमूव, मैं इसको रिप्लेस भी कर सकता हूं, फाइन एंड रिप्लेस, लेकिन आप आराम से देख पाए इसलिए मैंने मैन्युअली रिमूव किया। रन कर रहा हूं, देखिए लॉगिन पेज सही हो गया। और दूसरा पेज कौन सा चाहिए, आप पहले सोच लो कौन कौन से पेजेस जो है आपको अपने वेबसाइट के अंदर रिक्वायरमेंट है। तो एग्जांपल के अंदर मुझे इनवॉइस की कोई ज़रूरत नहीं है, प्रोफाइल की भी ज़रूरत नहीं है। आप सोच रहे होंगे वेर इज फॉरगॉट पासवर्ड, तो फॉरगॉट पासवर्ड नहीं है तो कोई बात नहीं है, इसमें से एक टेक्स्ट बॉक्स निकाल दो, उसको फॉरगॉट पासवर्ड बना लो, वो तो मैन्युअली करना पड़ेगा, सब कुछ तो रेडी मिलेगा नहीं, लेकिन यहाँ पे फॉरगॉट पासवर्ड दिया हुआ है। आपको ऐसा है कि नहीं मुझे यही लेना है, तो एडिट विथ नोटपैड, कॉपी, राइट क्लिक, PHP फाइल, फॉरगॉट पासवर्ड, पेस्ट। वापस मुझे .. निकालना पड़ेगा क्योंकि लॉगिन में किया, तो फॉरगॉट पासवर्ड में भी करना पड़ेगा क्योंकि दोनों एक ही जगह पे प्लेस है। तो इसको रन करते, राइट क्लिक, रन फाइल, हो गया। तो दो पेजेस हो गए, एक लॉगिन हो गया, एक फॉरगॉट पासवर्ड हो गया। अभी मुझे चाहिए फॉर्म, तो फॉर्म के लिए मैं जा रहा हूं फॉर्म के अंदर। यहां पे देखिए बहुत सारे फॉर्म है, जनरल फॉर्म, एडिटर फॉर्म, एडवांस फॉर्म, इतने सारे फॉर्म है, तो मुझे जनरल फॉर्म चाहिए। लेकिन जनरल फॉर्म में भी बहुत सारे फॉर्म है, इतने सारे फॉर्म है कि कौन सा रखना है, कौन सा निकालना है, वही मुझे पता नहीं है। लेकिन आपको क्या चाहिए, सबसे पहले सोचिए, मुझे बस ये फॉर्म पसंद है, ये सब टेक्स्ट एरिया के क्लासेस दिए हुए हैं थीम के अंदर। अगर आपको इन फ्यूचर भी चाहिए तो आप उसको कॉपी करके पेस्ट कर सकते हो। फिलहाल आपको क्या चाहिए, सिर्फ एक फॉर्म, तो बाकी जितनी भी चीज़ें उसको निकाल दीजिए। तो उसके लिए यहाँ पे हम जाएंगे फॉर्म, जनरल, एडिट विद नोटपैड प्लस प्लस, कॉपी, न्यू एक PHP फाइल बनाएंगे, क्या नाम देंगे, फॉर्म, फॉर्म - डेमो, पेस्ट। तो इसको भी आपको पता है कि यहाँ पे भी वो जो नेविगेशन है CSS का वो नहीं है, इसलिए CSS जावास्क्रिप्ट लोड नहीं होगी यहाँ पे। ओके, तो क्या करना है मुझे, तो यहाँ पे फाइन एंड रिप्लेस, जहाँ पे भी डबल डॉट्स है, या फिर मैं इसको रिप्लेस कराऊँ, Ctrl+C Ctrl+H,
कंट्रोल वी, इसको मुझे रिप्लेस कर देना है इससे, रिप्लेस ऑल। मैंने क्या किया, डबल कोट्स निकाल दिया, रिफ्रेश करते थीम आ गई। सो हर बार थोड़ी ना मैं जाके वहाँ पे ये चेंज करने बैठूंगा, इसलिए मैंने कंट्रोल एच कंट्रोल एफ और फाइंड एंड रिप्लेस कर दिया है। ठीक है, सो वैसे ही मुझे क्या करना है, डिस्प्ले में जाना है। तो देखो यहाँ पे भी बहुत सारे मतलब अच्छे अच्छे लेआउट्स दिए हुए टेबल्स के, ये नेविगेशन के साथ में है। और भी देखो यहाँ पे सर्च का ऑप्शन है लेकिन वो चल नहीं रहा है, ये सिर्फ यूआई दिया हुआ है, ये नेविगेशन। ओके, यहाँ पे देखो आई लव दिस वन, ये डेटा टेबल करके एक जेक्वेरी की प्लगइन आती है, तो ये इन लोगों ने ये थीम में इम्प्लीमेंट किया हुआ है। तो ये लेआउट मुझे ज़्यादा पसंद आ रहा है कंपेयर टू अदर। डिज़ाइनिंग देखने जाए तो इसका अच्छा है, लेकिन प्रोग्रेस बार मुझे कहीं रखना नहीं है, अगर प्रोग्रेस बार रखेंगे तो अच्छा लगेगा। तो अभी देखने में अच्छा है, लेकिन मुझे ये ऑप्शन ज़्यादा बेटर लग रहा है क्योंकि इसमें सॉर्टिंग है, सर्चिंग है, मल्टीपल रिकॉर्ड्स है, वो हम साथ में देख सकते हैं। तो ये डेटा डॉट एच टी एम एल करके जो फाइल है उसका कोड हम वापस कॉपी करेंगे, यहाँ पे जाके टेबल मास्टर यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। सो इसको आपको पता ही होगा, कंट्रोल एच डबल डॉट्स फाइंड करना है, रिप्लेस कर देना है, रिप्लेस ऑल, सेव, रन फाइल, हो गया यहाँ पे वर्किंग। तो इंसर्ट का एक फॉर्म हो गया, एक डिस्प्ले का हो गया, एक लॉगिन हो गया, एक फॉरवर्ड पास हो गया। इनिशियल स्टेज पे इतने पेजेस इनफ है, अगर आपको इससे भी ज़्यादा और पेजेस चाहिए तो मैंने आपको सिखा दिया कैसे करना है, तो बाकी के पेजेस आई थिंक आप खुद भी कर सकते हो। तो मुझे क्या करना है अभी, नेक्स्ट जो मेरा काम है कि ये जो पेजेस उसको मुझे अननेसेसरी जो पार्ट है उसको रिमूव करना है। तो सबसे पहले हम ये सारे पेजेस को बंद कर देते हैं, कंट्रोल डब्ल्यू कंट्रोल डब्ल्यू। ओके, अभी नेक्स्ट फेज हमारा स्टार्ट हो रहा है कि मान लो लॉगिन का पेज है तो उसमें से कुछ रिमूव करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ सही है। फॉरगॉट पासवर्ड का पेज देख लीजिए, जिसमें भी मुझे कुछ रिमूव करने की जरूरत नहीं है, सब सेम है। सिर्फ एक ही जगह पे मुझे चेंज करना है, वो है फॉर्म और दूसरा है टेबल। क्यों? क्योंकि देखो फॉर्म में बहुत सारे टेबल मतलब पेजेस है, यहाँ पे ये फॉर्म है, यहाँ पे ये सारे फॉर्म्स है, उसकी मुझे कोई जरूरत नहीं है। तो ये कोड ढूंढ के मुझे ये कोड को डिलीट करना है। तो यहाँ पे हम जाएंगे फॉर्म डेमो, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड पर्टिकुलर लाइन, इतनी 1300 लाइन में से फाइंड करना मेरे लिए तो बहुत डिफिकल्ट है, पर मेरे पास शॉर्टकट की है कि आप जनरल एलिमेंट करके कॉपी कीजिए, कंट्रोल एफ कंट्रोल वी। तो देखो मुझे कुछ मिल रहा है यहाँ पे, ये फॉर्म का नेविगेशन है, मुझे आई थिंक लग रहा है ये तो नेविगेशन है। नेक्स्ट प्रेस कीजिए तो यहाँ पे कुछ आ नहीं रहा है, मतलब थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया यहाँ पे। तो ये जो टेक्स्ट डिसेबल है इसको कॉपी कर रहे हैं, कंट्रोल एफ कंट्रोल वी, ये मुझे मिल गया। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये एक डिवीजन है जिसको कॉलम दिया हुआ है, मिडल मीडियम जो 6 है, इसको मैं कोलैप्स कर रहा हूँ, इसको निकाल के एक बार चेक करता हूँ, आई एम श्योर कि निकल जाएगा, रिफ्रेश निकल गया। वैसे ही मुझे डिफरेंट हाइट, वो तो मुझे नीचे ही मिल जाएगा, या फिर सब निकल गया यहाँ से तो भी है, तो मुझे ऊपर जाना पड़ेगा जिसका नाम है डिफरेंट हाइट। तो ये सर्च करते हैं हम डिफरेंट हाइट। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, चलो इसको छोड़ दो, यहाँ पे मुझे मिल नहीं रहा है, क्विक एग्जांपल मिल गया, तो ये रहा डिफरेंट हाइट। तो देखिए ये रहा डिफरेंट हाइट, ये डिवीजन को हम कॉपी करेंगे, कोलैप्स करेंगे, डिलीट, सेव, रिफ्रेश, निकल गया। ओके, वैसे डिफरेंट विड्थ निकल गया, बस आपको मालूम पड़ गया कि ये कैसे निकालना है, बस वैसे ही आप वन बाय वन, लेकिन जल्दबाजी मत करना इसमें, निकालिए, रिफ्रेश कीजिए, कंफर्म कीजिए, निकालिए, सेव कीजिए, कंफर्म कीजिए, रिफ्रेश कीजिए, डन। सो फाइनली ये जो सारी कमेंट्स है उसको निकाल देते हैं, यहाँ से भी कमेंट को निकाल देते हैं, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। तो जो 1300 लाइन थी वो अभी 800 में कन्वर्ट हो गई है, बराबर है, बहुत सारी लाइन्स हमने निकाल दी। इनिशियली आपको बहुत टेंशन हो रहा होगा कि इतनी बड़ी थीम है कैसे मैनेज करेंगे, वो मैंने इजी कर दिया। फाइल इनपुट की कोई ज़रूरत नहीं है मुझे, निकाल दो फिलहाल, ये जो डिवीज़न इसको सिलेक्ट करके चेक कीजिए कहाँ पे जा रहा है, निकाल दीजिए, सेव, रिफ्रेश। तो ये हो गया एक जनरल फॉर्म।
अभी हम बात करते हैं टेबल की, तो टेबल को रन करते हैं। तो टेबल में देखो ये फर्स्ट टेबल मुझे रखना नहीं है, तो यहां पे डेटा टेबल विथ मिनिमम फीचर्स एंड ओवर स्टाइल, तो इसको हम सर्च करते हैं। तो ये पहले ही मिल गया मुझे सेक्शन। तो ये जो डिवीजन होता है वो डिवीजन से आपको उसको कॉलेप्स कीजिए, ये डिवीजन को पकड़िए, रिमूव कर दीजिए, सेव एंड गेट रेडी फॉर आउटपुट। यहाँ पे आ गया और ये जो मुझे चाहिए था वही टेबल मिल गया, बाकी सब निकल गया। आप सोच रहे होंगे कि आप इजीली कर लेते हो, हम कैसे करेंगे, तो सिंपल सी चीज़ है, जो डिवीजन दिख रहा है उसको आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये लेबल है, और उसका जो पैरेंट डिवीजन है उसको आप कॉलेप्स कीजिए एंड उसको रिमूव कर दीजिए। देखो एक बार डेमो करते हैं, निकल गया। ऐसा तो करना नहीं है मुझे, ऐसा करना तो थीम क्यों ली मैंने, मुझे उसके एलिमेंट्स चाहिए। सो सेव, हो गया ये। तो ये हो गया फॉर्म, ये हो गया टेबल। आप देखिए इसमें भी आपकी लाइंस ज़्यादा कम नहीं हुई, आई थिंक सो इससे पहले ज़्यादा लाइन होगी। यहाँ पे लाइन ज़्यादा क्यों है, क्योंकि ये जो TRTD है वो बहुत ज़्यादा लाइंस ऑक्यूपाई कर रहा है, हमको तो डायनामिक करना है। सो हम नेक्स्ट स्टूडियो में देखेंगे उसको डायनामिक कैसे करना है। सो एज ऑफ नाउ इसको एज इट इज़ रहने दो। चलो ये एक ही पेज नहीं बनेगा, वेबसाइट जब हम बनाते हैं तो इसमें बहुत सारे पेजेस होते हैं। मान लो कि अगर फॉर्म बना रहे हो तो प्रोडक्ट का फॉर्म है, कैटेगरी का फॉर्म है, ऐसे बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं। मिनिमम कोई भी वेबसाइट देख लो, मिनिमम 5, मैक्सिमम कुछ पता नहीं होता है कितने बनते हैं फॉर्म, 5 से 10 फॉर्म तो मिनिमम बनते ही वेबसाइट में, जो होते हैं ऐड के। टेबल भी बनेंगे 5 से 10 टेबल, तो कुल मिला के अगर देखते जाते हैं वेबसाइट में 25 पेजेस होते हैं। तो अभी वो 25 पेजेस में कॉमन लेआउट होता है, जो होता है साइड बार, जो हर एक पेज में आपको कॉमन दिखेगा, ये साइड बार और ये हेडर। तो अभी फिलहाल आप देखिए कि ये वेबसाइट जो है इसमें नंबर ऑफ लाइन जो है कॉपी पेस्ट हो रही है हर बार, तो हमको इसको क्या करना है, कॉमन करना है। मतलब अगर मैं कोई भी फाइल में चेंज कर रहा हूँ, ये फाइल में चेंज कर रहा हूँ मैं, तो वो हर पेजेस में रिफ्लेक्ट होना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक नया फोल्डर बना रहे हैं जिसका नाम आप कुछ भी दे सकते हो, मैं थीम पार्ट ऐसा एक फोल्डर बना रहा हूँ, जिसमें हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले मुझे आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि हेडर का कोड कितना है इसमें। तो हेडर के लिए हम यहाँ पे पहले चेक करते हैं, ये नेव बार है, नेविगेशन बार, इसको कॉलैप्स करता हूँ। तो देखिए 120 लाइन यहाँ पे कट हो गई, सेव रिफ्रेश, तो पूरा नेव बार निकल गया, बराबर। तो इसको हम क्या करेंगे, थीम पार्ट में न्यू PHP फाइल एंड नेम इट टॉप मेनू या फिर नेव बार, कुछ भी नाम दे सकते हो। यहाँ पे कंट्रोल ए, डिलीट, कंट्रोल वी, हो गया। तो इसको मुझे क्या करना है, यहाँ पे कॉल करना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इंक्लूड थीम पार्ट टॉप मेनू। तो जैसे मैं रिफ्रेश करता हूँ वो मेनू यहाँ पे वापस आ जाएगा, आ गया। यही चीज़ मुझे कहाँ पे करनी है, तो फॉर्म में भी करनी है, वो हम बाद में करते हैं। वैसे ये नेव बार हो गया, असाइड मतलब नेविगेशन बार जो साइड बार है, इसको भी हम काटते यहाँ से, कट, पूरा निकल गया। इसको मुझे कहाँ पे ऐड कर देना है, न्यू PHP फाइल एंड नेम इट साइड बार एंड पेस्ट कोड, हो गया। इसको मुझे वापस यहाँ पे भी कॉल करना पड़ेगा, अभी यहाँ पे PHP टैग ओपन, वैसे तो दो बार PHP टैग ओपन करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे एक ही PHP में हम लिख सकते थे, पर मैंने दो बार कर दिया, चलो कोई बात नहीं है, हो गया। तभी आप देखिए कुल मिला के अगर लाइन यहाँ पे चेक करे हो तो यहाँ पे 500 लाइन हो गई है, 500 लाइन्स ओनली। यही चीज़ हमको कहाँ पे करनी है, फॉर्म में करनी है। तो वापस फॉर्म में ऊपर जाइए, आपको याद ही होगा नेव बार हमने निकाला था, तो वहाँ पे मुझे रखना है PHP टैग इंक्लूड थीम पार्ट टॉप मेनू, और यहाँ पे असाइड निकाल के PHP इंक्लूड थीम पार्ट साइड बार। सो नाउ इफ आई रिफ्रेश दिस पेज और इफ आई रन दिस पेज, यू कैन सी यहाँ पे कुछ चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन ये चेंज हो रहा है कि अगर आप एक लाइन को कमेंट करते हो तो मेनू निकल रहा है, एक लाइन को कमेंट करते हो तो आपका
साइड बार निकल रहा है। तो ये हो गया मास्टर लेआउट, इसको बोलते हैं मास्टर पेज, कि जो भी पेजेस है उसको मैंने, जो कॉमन है पेज उसको मैंने इंक्लूड कर दिया। कई वेबसाइट में, कई थीम में ऐसा भी होता है, राइट साइड भी होता है, लेफ्ट साइड बार भी होता है। देखो यहीं पे भी आप देख सकते हो, यही थीम की बात करते हैं, यहाँ पे दोनों साइड साइड बार है, राइट। तो मुझे ये चाहिए या नहीं चाहिए तो आप, वो आप पे डिपेंड करता है। मुझे तो इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं लग रही है, क्योंकि इसको रिफ्रेश करोगे वो वापस वहीं पे आने वाला है। तो भी पर ये कोड है कहाँ पे? तो एक्चुअली ये जो कोड है ना वो टॉप मेनू में होगा शायद, देखिए यहाँ पे नहीं दिख रहा है मुझे, या फिर हाँ टॉप मेनू में नहीं है तो साइड बार में देख लीजिए। चलो कहीं ना कहीं होगा, मुझे ढूंढना पड़ेगा, यहाँ पे तो दिख नहीं रहा है। तो मैं इसको राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट एलिमेंट में चेक कर लेता हूँ, ये कहाँ पे आ रहा है, लार्ज। तो इसको टॉप मेनू में, ओके। तो ये जो लोड हो रहा है नोटिफिकेशन, कस्टमाइज एडमिन एलटी, तो यहाँ पे साइड बार में सर्च करते कंट्रोल एफ, कंट्रोल वी नहीं है, टॉप मेनू कंट्रोल वी नहीं है, फॉर्म डेमो में कंट्रोल एफ कंट्रोल वी नहीं है। तो शायद ये जेक्वेरी से लोड हो रहा है इसलिए यहाँ पे नहीं दिख रहा है। चलो कोई बात नहीं, उसको निकालना नहीं है, निकालना है तो हम देख लेते हैं कैसे निकालेंगे। तो अभी हम वापस कहाँ पे जंप करते हैं, तो ये एक सेकेंड में देख लेता हूँ, यहाँ पे जावास्क्रिप्ट एडमिन एलटी, देखो ये रहा, मैंने आपको बताया ना कि ये कहीं ना कहीं से लोड हो रहा है, नो नो नेव बार बॉर्डर्स, तो ये जावास्क्रिप्ट में से लोड हो रहा है, नो नेव बार, नेव बार प्राइमरी, राइट। ये देखो कंट्रोल साइड बार, मतलब ये कंट्रोल साइड बार आ रहा है। अगर आप बोलो कि इसको नहीं रखना है तो इसका एक काम कीजिए, इसका नाम चेंज कर दीजिए। देखो ये अंदर का ऑप्शन चला गया, राइट। आप चाहते ही नहीं हो कि इसको लोड करना है तो एक काम और कर दीजिए, टॉप बार में जाइए, टॉप मेनू में जहाँ पे उसका ऑप्शन था उसको ही निकाल दीजिए। तो ऐसे कस्टमाइज खुद ही करना पड़ेगा, ना रहेगा अभी वो नेव बार और ना दिखेगा आपको साइड बार, हो गया। चलो तो ये हो गया यहाँ पे। तो अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो साइड बार है तो साइड बार में देखिए बहुत सारे ऑप्शन है जो आई थिंक अभी मुझे कुछ रिक्वायरमेंट नहीं है, तो मैं इसको निकाल देता हूँ यहाँ पे। तो क्या करेंगे हम, यहाँ पे देखिए सबसे पहले एडमिन एलटी, यहाँ पे लोगो है एडमिन एलटी का, आप इसकी जगह पे अपना खुद का भी लोगो डाल सकते हो। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक बार आकाश, देखते आता है कि नहीं, आ जाएगा, क्योंकि ये तो जो लोगो है वो आई थिंक ए का होगा। देखो हो गया आकाश, तो आकाश सर डॉट कॉम हो गया। यहाँ पे मेरा फोटो अगर मुझे ऐड करना है तो आप कर सकते हो। तो आपको क्या करना है, नॉर्मली पिक्चर्स में जाके कोई भी पिक्चर ले लो, फॉर एन एग्जांपल अभी मेरे पास कोई फ़ोटो है नहीं, मैं नेट पे से ले लेता हूँ, आकाश बढ़िया, यहाँ पे यही फ़ोटो ले लेते हम, ओपन इमेज सेव इमेज। ये मैं इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको मालूम पड़े कि कैसे कोई चीज़ को आपको अपलोड करना है यहाँ पे, या फिर चेंज कर सकते हो। तो ये इमेज आ गई, तो इमेज को आपको क्या करना है, अपना खुद का फोल्डर बनाइए माय इमेजेस करके, ये मेरा एक वे है फोल्डर बनाने का, आप कुछ भी बना सकते हो यहाँ पे। एंड यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ, और यहाँ पे मुझे क्या करना है, यहाँ पे जो पाथ लिया हुआ है उन्होंने वो चेंज करते, आपको माय इमेजेस स्लैश आकाश पढ़िया डॉट जेपीजी यही है, एंड रिफ्रेश नहीं आ रहा है, कुछ लिखने में गड़बड़ हो गई है, माय इमेज है इमेजेस नहीं है। तो देखिए मेरा फोटो आ गया, मैं यहाँ पे मेरा नाम लिख दे रहा हूँ आकाश बढ़िया सेव रिफ्रेश। सो बाकी के पेजेस है जैसे कि डैशबोर्ड, मान लो कि डैशबोर्ड मुझे इतने सारे नहीं चाहिए, विजेट्स नहीं चाहिए, ये और भी पेजेस है, तो ये जो नेविगेशन है सारे ये एलआई लिस्ट आइटम, यहाँ पे देखो लिस्ट आइटम है, यहाँ पे भी लिस्ट आइटम है और भी, तो ये जो है मैं इसको निकाल रहा हूँ, देखिए वन बाय निकल जाएगा। देन और भी ऑप्शंस है, सारे ऑप्शंस को मैं निकाल रहा हूँ यहाँ पे,
सिर्फ एक को रखना है मुझे, कोई लेआउट ऑप्शन को रखना है, ताकि नेविगेशन, मैं इसको निकाल दे रहा हूँ, निकाल देना इसको, सिलेक्ट, डिलीट, सेव, रिफ्रेश। तो देखो यहां से ये निकल गया, और नीचे देखिए लेबल्स का ऑप्शन है यहां पे, तो ये लेबल को निकालते हैं हम, यहां से भी निकालना है, यहां पे भी, यहां पे ये निकाल दिया, सेव, रिफ्रेश। तो अभी आप क्या कर सकते हो, जो जो पेजेस आपकी रिक्वायरमेंट है वो आप यहां पे ऐड कर सकते हो, राइट। सो फॉर एन एग्जांपल यहां पे मैं डाल देता हूं ऑप्शन के सेटिंग्स, यहां पे हम लिख सकते हैं कि चेंज पासवर्ड, तो यहां पे मैं डाल रहा हूं चेंज पासवर्ड, सेव, रिफ्रेश, हो गया। अगर आप आइकन चेंज करना चाहते हो तो भी आप कर सकते हो आइकन चेंज। यहां पे देखियो एक फॉन्ट ऑसम, तो फॉन्ट ऑसम एक लाइब्रेरी, फॉन्ट ऑसम लॉग आउट आइकन, फॉन्ट ऑसम एक लाइब्रेरी जहां पे आइकन का नाम होता है, एक शॉर्ट कोड होता है, वो जो कोड होता है वो आपको यहां पे कॉपी करना है, जैसे फा साइन आउट, आप यहां पे ये चेंज कर दीजिए, सॉरी मैंने चेंज पासवर्ड में कर दिया, कोई बात नहीं है, यहां पे दिख नहीं रहा है क्योंकि ये जो आइकन है यहां पे साइन आउट साइन इन ये नहीं दिख रहा है यहां पे, तो मुझे एक काम करना पड़ेगा, कंट्रोल वाई एफ ए, देखो फा साइन इन, ओके अभी भी नहीं दिख रहा है, एक काम करते इसको मैं एक बार ऊपर भी चेक कर लेता हूं कहां गया, ये रहा फा फा साइन इन, ओके। तो ये आइकन यहां पे दिख नहीं रहा है, उसका रीजन कोई लाइब्रेरी जो है, इसके लिए हमारी जो थीम है एडमिन एलटी, उसको मुझे एक बार चेक करना पड़ेगा कि वहां पे कौन कौन से आइकन दिए हुए, कौन सी लाइब्रेरी है, पेजेस, यहां पे यूआई, देखो ये आइकन्स है, देखो यहां पे दो टाइप का आइकन्स है, आइकोनिक आइकन्स है, आयोन आइकन्स है, फॉन्ट ऑसम आइकन है, तो देखो ये इन लोगों ने बताया तो है लाइब्रेरी यही यूज करे, आइकोनिक लाइब्रेरी भी है, राइट। सो ये आइकन का कोड है, फॉन्ट ऑसम मैं ये देख रहा हूँ, फ्री आइकन मुझे देखना है एक्चुअली, मैंने पेड़ देखा हुआ था अभी, तो आइकन्स, लॉग आउट, तो ये जो है ये कॉपी एंड इसको निकाल के पेस्ट, देखिए आ गया। तो मतलब आप यहां पे भी सर्च कर सकते हो, लेकिन इतना याद रखना कि अगर आपने कोई पेड आइकन लिया हुआ है तो वो प्रो आइकन यहां पे नहीं दिखेगा, तो आपको फ्री आइकन लेना है, राइट। तो यहां पे आपको मालूम पड़ जाएगा ये प्रो आइकन है, तो उसके लिए लाइसेंस की जरूरत रहती है, तो आप ऐसे भी कर सकते हो। तो अभी मुझे क्या करना है, तो यहां पे जो मेरा डैशबोर्ड है, विजेट्स यहां पे है, उसका नाम मैं चेंज कर रहा हूं, होम, इसको मैं बंद कर देता हूं, तो ये होम हो गया। तो यहां पे उसकी हाइपरलिंक बनेगी होम डॉट पीएचपी, यहां पे पेजेस है, चेंज पासवर्ड हो गया, तो देखो यहां पे लॉग आउट करना है, चेंज पासवर्ड की जगह पे मैं दे देता हूं यहां पे लॉग आउट, तो लॉग आउट पे जाएगा वो लॉगिन पे, लॉगिन डॉट पीएचपी, यहां पे फॉर्म है तो मैंने बनाया हुआ है पेजेस, तो चार्ट की जगह पे मैं दे रहा हूं नाम पेजेस, यहां पे फॉर्म, फॉर्म की हाइपरलिंक बनेगी अपनी फॉर्म डेमो डॉट पीएचपी, देन टेबल की हाइपरलिंक कुछ अपनी ऐसी बनेगी जिसका नाम रहेगा टेबल मास्टर डॉट पी एच पी, नाम दे रहा हूँ मैं इसका टेबल, एंड रिफ्रेश। तो देखिए पेजेस, फॉर्म, तो फॉर्म टेबल में तो टेबल आ रहा है, फॉर्म में कुछ गड़बड़ हो गई, स्पेलिंग मिस्टेक, सिली मिस्टेक्स बहुत प्रॉब्लम करती है कई बार, फॉर्म डेमो डॉट पी एच पी, बैक जाइए, फॉर्म टेबल, फॉर्म टेबल एंड होम, तो हमारा होम आ गया। इसमें भी आप जो चीज़ आपको रखनी है वो रखिए, बाकी सब निकाल दीजिए,
कोई रिक्वायरमेंट नहीं हो तो। एंड द लास्ट वन, देखो यहाँ पे हमको होम में वो चेंज करना रह गया तो वो प्रॉब्लम कर रहा है, तो मुझे होम में भी क्या करना पड़ेगा, तो नेव बार एंड साइड बार निकाल के PHP यहाँ पे दे देता हूँ मैं, इंक्लूड थीम पार्ट टॉप मेनू, इंक्लूड थीम पार्ट साइड बार। तो देखो पहले होम में ऐसा मेनू आ रहा था, अभी रिफ्रेश करने के बाद मेनू चेंज हो जाएगा, और लॉगआउट करता हूँ तो लॉगिन पे आ रहा है। ठीक है, तो वैसे ही एक सिंपल एग्जांपल था कैसे एक थीम इंटीग्रेट करनी है एडमिन एलटी पीएचपी के अंदर, कैसे उसका एक मास्टर लेआउट क्रिएट करना है। और भी इसके अलावा आपको और भी पेज की रिक्वायरमेंट हो तो आप अपने हिसाब से इसमें ऐड कर सकते हो, अपने हिसाब से लेआउट भी यूज़ कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इसको डायनामिक कैसे करना है, मतलब कि यहाँ पे अगर मैं कोई डेटा एंट्री कर रहा हूँ तो डेटा एंट्री डेटाबेस में कैसे जाएगी और कैसे रिट्राइव करना है। तो ये था एक एग्जांपल हाउ टू इंटीग्रेट एडमिन एलटी इन योर पीएचपी वेबसाइट। और वैसे ही आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इसका इस्तेमाल कर सकते हो। फॉर मोर वीडियोज यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन फॉलोइंग डिटेल्स। माय सेल्फ आकाश पढ़िया, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।